नीतो घाटी है केवल ज्ञान, छाई ज्ञान नहीं है, नहीं समझे, केवल ज्ञान बहुत पावरफुल है। केवल ज्ञान तो मिट सकता है, नित्य घटित हुआ ज्ञान कभी भी नहीं मिट सकता। केवल ज्ञानावरण कर्म को हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन क्षयोपशम की दशा को और बढ़ा करके जीवत को हम समाप्त नहीं कर सकते। वह नित्य घटित है, वह स्वभाव है, स्वभाव को कभी मिटाया नहीं जा सकता। तारतम्य होना और मिटाना बहुत अंतर है। तो केवल ज्ञान कर्म के द्वारा केवल ज्ञान की जाति रूप जो ज्ञान है उसका नाश तो हो गया। सुबह के विषय को और पुष्ट बना रहा हूं, केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण केवल ज्ञान तो नष्ट हुआ है, और केवल ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, वो पर्याय उत्पन्न होगा। लेकिन यहां पर नित्योद्घाटित जो ज्ञान है, जो चित्तारित चलता उस प्रवाह को केवल ज्ञान का, केवल का अर्थ क्षायिक ने ओनली में और क्षायिक में बहुत अंतर है। केवल मात्र ज्ञान, ये केवल ज्ञान से मतलब नहीं रखता, ये तो उस ज्ञान गुण से मतलब है। उस ज्ञान गुण के आधार पर ये पांच पर्याय उत्पन्न होते हैं। मध्य ज्ञान होने से मध्य ज्ञान उत्पन्न हुआ, श्रोत ज्ञान उत्पन्न हुआ, अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, मन परिज्ञान उत्पन्न हुआ, और ये सारे सारे क्षोभम क्वालिटी के हैं। केवल ज्ञानावरण करता क्षोभम नहीं होता, क्षय होता, क्योंकि उसमें देश घाती स्पर्धक आदि दोनों प्रकार के स्पर्धक नहीं होते। पूरा का पूरा अंश मात्र भी उत्पन्न नहीं होने देना। उस प्रकार की जो शक्ति प्रकृति है उसका नाम सर्वखाती है। इसलिए कर्म सिद्धांत में केवल ज्ञानावरण कर्म को सर्वखाती घोषित किया, और वह जब तक अपना अस्तित्व रखता तब तक केवल ज्ञान को होने नहीं देता। इसलिए केवल ज्ञान की किरण फूट नहीं सकते। इसलिए जो कुछ फूटी है वो केवल ज्ञान की किरण नहीं, किंतु ज्ञान गुण रूप जो केवल ज्ञान है उसमें फूटी हुई पर्याय है। इसको नहीं समझने के फलस्वरूप आज छायक ज्ञान की ही किरणे मति ज्ञान शब्द ज्ञान आदि है। ये सिद्धांत आगम विरुद्ध, अनुभव विरुद्ध, तर्क विरुद्ध, बात सुनने के उपरांत भी नहीं मानना, ये और आत्म विरुद्ध है। नहीं बिल्कुल, आत्म वंचना है तो आत्म विरुद्ध तो कोई होगा। धोखा हम दूसरे को नहीं दे सकते, किंतु तो अपनी ही क्षमता को धोखा दे रहे हैं। आत्म धोखा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता, उससे मिटी गया और क्या मिटाना। अनात्मवाद को यदि स्थापित कर देंगे तो इससे बढ़ करके और कौन सा अपराध होता है। आत्मवादी हो गए कि आप अनात्मवादी न, और अनात्मवादी जो बनता वो गृहित संस्कार के पेशे से बनता। संवेदन होते हुए भी अनात्मवाद को माने, यदि किसी के उपदेश में आ गए हो चपेट में आ गया, इसको गृहित अज्ञान बोलते। किसी के द्वारा सुना हुआ ज्ञान, जिस प्रकार ग्रहित मिथ्यात्व होता है उसी प्रकार ग्रहित अज्ञान भी होता है। वो प्राय कहीं पकड़ में नहीं है। महाराज आगम में तो नहीं लिखा, तो हमें ये तो लिखा है ना, मिथ्यात्व लिखा, तो मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान होता है उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तो ग्रहित मिथ्यात्व है तो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है, इसमें क्या बात है, ये तो पक्का है। इसीलिए हम इधर का उधर, उधर का इधर न कहें, जहां पर जिन शब्दावली के प्रयोग किए वहीं पर उसका उसी रूप में अर्थ निकाल दीजिए, वो आनंद आएगा। आ रहा है या नहीं आनंद बताओ, थोड़ी बहुत तो बताओ, गूंगे की गुड़ की भांति तो बताओ, गर्दन से बताओ, मुख से नहीं, मुंह से ही नहीं, कुछ बताओ। ये है, इसीलिए आओ परम्परा भाव पर नहीं कर सकते।
नहीं रहे। तो केवल ज्ञान जो क्षायिक है उसकी किरण मत ज्ञान आदि अनंत तरह कुमार स्वामी महाराज कह रहे हैं। और इसका अर्थ हम ये निकाले थोड़े बहुत निकाल दे, अर्थांतर हो नहीं सकता। तो मत ज्ञानात्मक स्वतः ज्ञानात्मक जो आपकी उपयोग की धारा है केवल ज्ञान की नहीं बन सकती। इसलिए अनर्थांतरम न अर्थांतरम यदि अनर्थांतरम, इसलिए न स्वतः ज्ञान का वहां पर सत्वा होगा, न अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान का सत्वा होगा, हमने केवल ज्ञान में समाहित करके। लेकिन आज तो ऐसा हिसाब चल रहा है, खूब बाजार में ग्रंथ छपा है केवल ज्ञान की किरण, न भूतो न भविष्य अभूतपूर्व। बिल्कुल ठीक, ऐसा किसी ने कहा ही नहीं है इसलिए अभूतपूर्व। ऐसा किसी ने नहीं कहा इसलिए अभूतपूर्व, किसी ने कहा ही नहीं। यदि कहा है तो ऐसा नहीं कहा, वह अलग कहा। तो यहां तो परम परिणाम भाव के माध्यम से किसी के पास एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है तो भी वह ध्यान लगा सकता है। बारहवें गुणस्थान तक जघन्य श्रुत को लेकर के अष्ट प्रवचन माथे का रूप और वह छलांग ले सकता, ऊपर तक पहुंच सकता। ये सारे सारे चर्चा आप लोग भाग्यशाली है तो उनसे भी बहुत आगे बढ़ गए। गुणस्थान कितने हैं तो हम पढ़ने वो तो बिना अक्षर के यहां तक पहुंच गए। अब केवल ज्ञान एक छत से अंत मोर्चे दीजिएगा। ये आंतरिक यात्रा बड़ी अद्भुत है, कहां ऐसी हो रही है हम नहीं कह सकते। लेकिन वह गुणस्थान का अर्थ ये भावों का तारतम्य वह इस प्रकार हल्का हल्का होता हुआ चला जाता, पकड़ सारी सारी समाप्त हो जाती है। बाहरी बाहरी पकड़ को छोड़ दो, आग्रह छोड़ दो, तो अपने आप ही हल्का होता चला जाएगा। ये भीतर से टेंशन होने लग जाते हैं ना, तो उसी के कारण जो माथा दर्द करने जाता, छोड़ दो विकल्प छोड़ दो, अपने आप ही हल्का हो जाता। एक बार कहा था वैसे तो नहीं मानना, लेकिन फिर भी यदि समझ में आ जाता है, एक व्यक्ति के माथा में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए हो रहा था बहुत, एक में सत्र बना करके चल रहा था, बहुत दर्द हो रहा हमारा, बहुत कोई बात नहीं बैठ जाए बस। ऐसा कर दो, हमने सुना था क्या है, दोनों कान पकड़ कर थोड़े से खींच ठीक हो जाएगा, वो धारणा बन गई उसकी। अच्छे से खींच लिया तो पांच मिनट तक तो हम जैसा लग रहा था। आग्रह छोड़ दो, कान में पकड़ने से कुछ होता नहीं, जिस वस्तु को पकड़ रखे उसको छोड़ दो, यह हमारा नहीं, शांत हो जाओ। इसलिए कान पकड़वाते हैं जो हल्का हो जाए, तात्कालिक सर हो जाता है। हमारी गलती मंजूर, उठक बैठक और कर दो तो अच्छा रहता है। हमें ये समझ में आया इसके माध्यम से, जो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी कान बार बार कैसे पकड़े नहीं होता, तो कान पकड़ने के सामान रखे जाते हैं, जो कुंडल पहनते हैं ना, यूं करके अपने आप ही नीचे की ओर खो जाते हैं। थोड़ी सी हिला दिया वो अपने आप ही भ्रम को ठीक कर देता है, ज्ञान का चौथम पकड़ा जाता संभव है। राजा वगैरह के उन कानों में कुंडल इसलिए रहते हैं उनके कान थोड़े से कच्चे होते होंगे, कर देते नहीं रहते। आजकल तो ये बंद हो गया, लेकिन है तो फैक्ट है। और उसके लिए पहले से कान को छेद करके कुंडल वगैरह बना देते, तो नोट्स कर रहे हैं इसको भी। यही तो काम की बात है महाराज जी, हम यही काम ले। तो अब ये है कि वस्तुतः हम अपनी गलती पकड़ लेते हैं और समझ लेते हैं और मान लेते हैं तो बहुत क्लियर हो जाता है। इसी को प्रायश्चित भी बोलते हैं और प्रतिक्रम भी बोलते हैं। हमने आक्रमण किया उसको प्रतिक्रम कर लो, सब काम ठीक हो जाएगा। तो हमारी ज्ञान धारा जो अखंड होते हुए भी अक्षय अनंत इसलिए नहीं हो पाए। अब अक्षय अनंत को केवल ज्ञान बोलते हैं और उसके लिए परम परिणाम हुआ। परम परिणाम तो अखंड होते हुए भी उसमें क्षय उपशम की दशा का ही अखंड बना रहता है।
और इसमें ये अखंड होते हुए भी इसमें क्वालिटी कृत अंतर आ जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जन्मस्थ अवस्था में रह करके भी क्वालिटी कृत अंतर को भी नहीं मानते हुए उस क्वालिटी में और इस क्वालिटी में कोई अंतर नहीं की घोषणा करता, उसके लिए राजा कहते हैं खबरदार वह क्षयिक है, तुम्हारा ये सावरण है और वह निरावरण है। लेकिन ये ध्यान रखना वो निरावरण निमित्तोद्धारक वह किसकी है बताओ, क्षय की है नहीं। यदि उसको भी केवल ज्ञान कहा वही क्षयिक हो जाए तो हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं दो क्षयिक हो गए, एक नित्योद्घाटित रूप और एक केवल ज्ञान के केवल ज्ञान क्षय से उत्पन्न हुआ, इन दोनों में अंतर है क्या नहीं? बहुत बड़ा अंतर है। ये क्षयोक्षम ही रहेगा लेकिन क्षयोक्षम इसके नीचे नहीं जाएगा, इस अपेक्षा से इसके लिए विशेष ये नित्योद्घाटित का इसको लेकर के कई लोग जैसे वो केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान अखंड धारा बह रही है, ये परम परिणाम भाव के अपेक्षा से कहा। पूछवा स्वामी ने एक श्लोक दिया ध्यान की व्यवस्था में है लेकिन बहुत प्रासंगिक है, अगर चंद विशेष मन भी कैसे से जा रहे थे अज्ञात तद विशेष न पाते थे न विमुचते विमुचते। इस श्लोक में बहुत अच्छा कहा अगच्छन तद विशेष, अगच्छन तद विशेष तत्मने उस वस्तु की विशेषण मैंने विशेषों को जो नहीं जानता होगा, जाना नहीं विशेष गुणों को नहीं जानता हो अगर चंद विशेषण मन भी क्या थे कोई विशेष जानकारी रखता नहीं अनभिज्ञ हो गया, भिज्ञ नहीं अनभिज्ञ कुछ भी नहीं जानता अज्ञात तद विशेषस्तु जिसने विशेषताओं को ज्ञात ही नहीं किया न पद्धति। जितने आप जानेंगे उतने बंध को प्राप्त होंगे, इसका तालना आपके लिए अभिशाप हो रहा है, जानना आपके लिए अभिशाप हो रहा है। बोरा क्या नहीं ये तो कह रहे हैं क्योंकि बंध हो रहा, आप क्या चाहते हैं ज्ञान का विकास हो रहा, हमारा विकास नहीं हो रहा विनाश हो रहा है, क्योंकि ज्ञान का विनाश जो होता है मोह के कारण होता है। बिना मतलब के वस्तुओं को जानने में यदि ज्ञान का प्रयोग करोगे तो सुबह का अवैधा नानंज दुर्पोत्तम, जितना आवश्यकता उसे जान लो इसके उपरांत उसको छोड़ दो ये आवश्यक है। अनभिज्ञ से जाते अज्ञात तद विशेषस्तु जिसने विशेषताओं को जानना बंद कर दिया अज्ञात रखा बहुत जल्दी बंद रुक जाएगा, आश्रय रुक जाएगा, संवर और निजरा अपने आप प्रारंभ हो जाएगा, मुक्ति सामने। अंतर मुहूर्त का खेल है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। कदम कदम पर यह कहा गया है, ये इसलिए कहा गया कि जितने भी आप विशेषताओं को जानोगे उतना ही थकावट का अनुभव कर जाएगा। शांति से बैठ जाइए, कैसे बैठे जो कुछ हो उसको भूल जाना, पढ़ना सुनना समझना याद करना आसान है क्या? पढ़ना सुनना याद करना लिखना आसान है, जो कुछ पढ़ा है भूलना, जो कुछ सुना है भूलना, जो कुछ लिखा है भूलना, जो कुछ अनुभव किया है भूलना, दसवीं छवीं दुकड़म आसान नहीं है। मन से वचन से काय से मैं इसको भूलता हूं क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है, प्रयोग करो ज्ञानोपयोग बहुत हो गया। हाँ उस
mostly grey matter, mostly more confusion. Mostly no confusion. जितने पढ़ेंगे उतने ही भ्रम, और नहीं पढ़ेंगे तो भ्रम का ब्राह्मण, भ्रम का ब्राह्मण, आत्मा को ब्रह्मा बनना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, सब निकाल दो। ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं, ये किसी का काम, ये कैसे के महाराज क्या कह रहे हो आप? सबसे ज्यादा उस समय आप लोगों को पीड़ा होती है जब महाराज आप लोगों के यहाँ पर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, हाथ और धुल जाते हैं और आप थाली दिखाते हैं, महाराज ये उठाओ महाराज, उठाओ महाराज, नहीं उठाते हैं आपने नहीं उठा तो मैं क्या करूं? आपको पीड़ा हो रही थी इसलिए मैंने कहा बंद कर दो, जब देंगे तब उस समय जो लेगा वही तो देंगे, नहीं हम तो देंगे आपको लेना पड़ेगा ऐसा नहीं। ये है, अब ये सामने कुछ भी हो पढ़ाई बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मेरा नहीं है, मेरा नहीं है तो उसको फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको देखभाल नहीं। ये जो बसा रखा है आप लोगों ने कर रखा है, इसको छोड़ना बहुत कठिन है। छोड़ने की बात करना, छोड़ना कि बहुत हमारे भगवान छोड़ते नहीं, मुख मोड़ते हैं, और आप मुख मोड़ने के उपरांत भी बार बार देखते हैं हमारे भगवान, कभी देखते नहीं। ये एक दिशा में गए कोई भी हो वह एंगल नहीं आता, दृष्टि में कोई कोण नहीं बनाते, सामने दिख रहे पीछे का कोई मतलब नहीं। ऐसी साधना का नाम ही परम पारिनामिक भाव को इसे बनाना। ये पारिनामिक भाव परम पारिनामिक भाव हो गया। सुबह का पारिनामिक भाव अलग था जो कर्म निरपेक्ष था, अब ये कर्म सापेक्ष होकर के भी त्रैकालिक जो रहता उसका नाम परम पारिणामिक भाव कहा, और सादी अनंत काल के लिए जो होता है उसको परम पारिणामिक कह करके क्षायिक ज्ञान कहा। क्षायिक ज्ञान ज्ञान का एक सार तत्व है, निरावरण है। यदि उसको पहले भी मानते हो तो एक बात विशेष यह है कि वह केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय होने के उपरांत भी जो मति ज्ञान सूक्ष्म दशा में पड़ा हुआ मिटा नहीं, इसका अर्थ यह है वह कितना जोरदार है, जो पावरफुल है मति ज्ञान, केवल ज्ञान से बहुत पावरफुल है, क्योंकि केवल ज्ञान वर्णीकरण के द्वारा केवल ज्ञान तो समाप्त हो गया, लेकिन केवल ज्ञानवर्णीकरण के उदय होते हुए भी वह सूक्ष्म ज्ञान जो निबोध अवस्था में वो मिटा नहीं है, उसकी कितनी शक्ति है, यह स्वभाव है, ये स्वभाव है। इसके लिए बार बार कहते तुम्हारे उद्गम स्थान को तो देख, कब से आए हो तू, स्रोत क्या है तुम्हारा, वह किसी के ऊपर आधारित नहीं है, कर्म के कारण नहीं। मति ज्ञान आदि पांचों जो है कर्म सापेक्ष है, लेकिन जो यह परम पारिणाम भाव है प्रत्येक के पास विद्यमान है, उसमें कोई भी गठन बड़ा कुछ नहीं, सुना बात बात उस स्वभाव को शब्दानुचारे भी सच्चानुभवन अर्थवत। यह श्लोक का यह सूत्र का यह तात्पर्य है कि शब्द के बिना भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के गोलक धंधे से बचे तब कर सकते हैं, अपने पास होते हुए भी उस अखंड धारा की अनुभूति इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमारा चित्त बहिर्मुखी हो गया। वह चित्त को हम कैसे समझाएं? समझाने से नहीं, वह
उस ओर देखो नहीं तो अपने आप ही समझ में बात आने लग जाती। जितने हम समझाओ उतने महाराज को समझाते रहते, उनका काम ही यही है और हमारा काम भी यही है, हमें समझना नहीं तो बताओ, इसमें ज्यादा है ही नहीं। त्रिंज बहुत अच्छे, कैसे महाराज त्रिंज को पक्ष दे रहे हो आप? ऊपर ढांचा है त्रिंज का, भीतर तो वही आत्मा है जो आपके पास है। भिन्न भिन्न पोशाक पहनने के ऊपर जैसे भिन्न भिन्न व्यक्ति की पहचान अलग अलग हो जाती, उसी प्रकार शरीर को भी पोशाक समझ लो वह अलग है, भीतर जो व्यक्ति तो वही है जो आपके पास है। उसकी कुछ ऐसी प्रगतियां हैं कि मनुष्य के साथ वो बिल्कुल बेजोड़ हो जाते। कैसे? एक बात है, आप लोगों के लिए सम्यक दर्शन यदि प्राप्त हो सकता है 8 वर्ष अंतर हो कम से कम चाहिए। तीन चो में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है तो 2.5 महीने भी पर्याप्त। गर्भ के अपेक्षा सुन बैठे, गर्भ के अपेक्षा से नहीं समझे, यदि समूर्चन है तो मुहूर्त पृथक में 7-8 मुहूर्त में 7-8 में 5-6 घंटे में उत्पन्न होने के उपरांत संघी पंचेन्द्रीय समूर्चित त्रियंश की यदशा है वह संगत दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और आपके लिए 8 वर्ष अंतर हो कितना गुना, कितने गुना आप पीछे हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न उठाओ आप अपने दिमाग में। हमारी पकड़ जो पड़ती है वो बहुत मजबूत है और उनकी जो पकड़ है वह तात्कालिक है। पेट भर गया जब खाली होगा तब देखना, लेकिन आप क्या भरोसा? तो भरोसा नहीं है तो पेटी रखो, भरो सामान 100 साल पर की खबर ये मनुष्यों के हाल है। प्रशिक्षण केंद्र मनुष्यों के लिए, ध्यान केंद्र मनुष्यों के लिए, महाप्रासाद मनुष्यों के लिए और जेल भी मनुष्यों। जितने भी हमने शहरों के पास जेल खाने देखे उनकी दीवार अपने आप में स्पेशल, उसकी हाइट बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इसी ज्यादा ही कूदने की जो आदत है नहीं समझे। पंख वाले होते जेल में कभी बंद ही नहीं हो सकते, ये स्थिति। लेकिन पंख नहीं है लेकिन फिर भी कम नहीं, दिमाग के द्वारा भी पंख से ज्यादा काम करते थे। 8 वर्ष अंतर्मुख चाहिए कम से कम उनके लिए, अंतर्मुख तथा तुम्हें काम हो सकता है। कितना विकासशील वह व्यक्ति है तो तेरे पशु मान। और समूचन की बात नहीं कह रहा हूं, समूचन वह प्रक्रिया है जो अंतर मुहूर्त में ही अपनी काया को बना करके अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। जैसे देवों का उत्पाद शैया के ऊपर जन्म होता अंतर मुहूर्त में पर्याप्त हो जाता, उसी प्रकार कोई विशेष अंतर नहीं उनके बारे में वैकृत होती हूँ क्या हो रहा है जितना आवश्यक, लेकिन अंतर मुहूर्त में ये भी बना लेता है अपने वाहन को तो काम कर लेता है। उसके भीतर इतनी क्षमता विद्यमान है तो अंतर मुहूर्त पृथक में समय दर्शन प्राप्त कर सकता है। आत्मा शक्ति की ओर हम जिसकी बात करते हैं तो ये सब बातें कौन हो जाती है उसकी बहुत ही विराटता है। ये सारे सारे संकीर्णताएं हमको छोड़ना चाहिए। आज से आप लोग, समय आपका हो गया है 3 मिनट ज्यादा हो गया, 4 मिनट चार बजे तक है ना,
चार बजे तक है ना हमारे, मतलब दो घंटे तक प्रवचन सुनना है, ढाई से चार, तो अब डेढ़ घंटे का प्रवचन होता है, बीच में शंका समाधान आ गया। चार से पांच सुबह अनाउंसमेंट था, चार से पांच जैसा सुनो, जैसा आप आदेश प्रवचन की ज्यादा अवधि न बढ़ाइए, बीच में थोड़े से और भी संबंधी ये अच्छा रहता है, क्योंकि यह विशेष जो है ना सुबह जो हमने किया था उसको पूर्ण कर दिया, जो शंकाकार ने शंका रखी थी उनकी भी हमने रखी थी, विशेषण लगाया था प्रासंगिक वहां पर पारणाम भाव रहेगी, इसलिए उत्तर पुस्तक से देकर के और ये आप लोगों को इस प्रकार की यहाँ थोड़े से बीच में कोई भी मान लो ऐसे कोई रखते हैं तो रख ले। ज्ञान ज्ञान में सामान्य था, हमने श्लोक बताया था अगर चंद विशेष विशेषताओं के अभाव में जो सामान्य धारा रहती है उसका नाम ऊंडी नॉलेज, और पर्याय ज्ञान जो है किसी न किसी पर्टिकुलर पर्याय के माध्यम से जो जाना जा रहा उसका नाम पर्याय ज्ञान हुआ। सुनो प्रत्येक पर्याय के प्रत्येक पर्याय तो चलती रहती है लेकिन सामान्य में पर्याय को लिया नहीं जाता, किंतु पर सापेक्ष जब लेखेंगे पर्याय ज्ञान तो वह पर्याय ज्ञान का जो ज्ञान गुण के साथ जो पर्याय के रूप में संवेदन लेकर के चलता, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, बीच में एक विषय और छूट गया। ज्ञान की धारा हमेशा हमेशा अंतर मुहूर्तवर्ती रहती है, अब देखो पर्याय ज्ञान के बाद में कह रहा समझ में आ गया, ज्ञान की पर्याय जो होती है वह अंतर मुहूर्त वाली ही रहती है, जो परम पारायण भाव रूप जो ज्ञान की धारा थी वह हमेशा नहीं रहती उपयोग में, अंतर मुहूर्त में वह छूट जाती है। कैसे कहा, ज्ञान और दर्शन ये दो उपयोग वाले दो गुण होंगे, अनंत काल तक तो ज्ञान की धारा चल ही नहीं सकते, किंतु अंतर्मुख के उपरांत दर्शनोपयोग होता जो निराकार होता उस समय हमारे उपयोग में ज्ञान नहीं आता, उस वह गुण अलग है ये गुण अलग है, उपयोग की धारा की अपेक्षा संवेदन की धारा की अपेक्षा से अखंडता होनी रहती, आत्मा उस संवेदनशील व्यक्ति और दर्शनोपयोग अथवा ज्ञानोपयोग के माध्यम से संवेदन हमेशा हमेशा करता रहता, उसी का नाम उपयोग माना गया। पर्याय ज्ञान क्या है तो इस प्रकार अंतर्मोह में अथवा कुछ शिक्षण इत्यादि में उसका जो कुछ भी है वह उसका उसकी अपेक्षा है, किंतु धारा प्रवाह जब ले लेते हैं उस समय पर्याय गौण होती है, तो कोई ना कोई पर्याय रहते हुए भी अखंड एक पर्याय होती है, इसका नाम हमेशा हमेशा बनी रहती है, उसके लिए कोई नाम नहीं कहेंगे हम, पर्याय है लेकिन गुण की वह पर्याय अखंड है, जैसे गुण है उसी उसकी पर्याय का अर्थ यह है उसका लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसकी संख्या क्या है, आदि आदि के माध्यम से उसकी पहचान परि आसमंता आयति गच्छति संवेदयति संचेतयति इति वा पर्याय है, यह पर्याय शब्द की व्युत्पत्ति वो बनी रहती है, संवेदनशीलता उसकी हमेशा हमेशा बनी रहती है। जो आपने केवल ज्ञान की बात बताई ओनली ज्ञान की, क्या उसके आश्रय से केवल ज्ञान जी हाँ, वह गुण है जो परम पारणाम जो ज्ञान है प्रवाह वह गुणात्मक है, वह सामान्य है, उसमें सामान्य विशेष जो आता है वह पर्याय में आ जाता है और गुण जो आता है वह सामान्य में आ जाता है, जो त्रैकालिक होता वह गुण माना जाता है और जो तात्कालिक होता है वह पर्याय होते, इसलिए पर्याय की विशेषता को कौन करके जब हम गुण की विशेषता को देखते हैं तो वह अनादि अनंत काल तक बनी रहती, ओनली नॉलेज इसी को बोलते हैं, उसी को देखने से हमारा ध्यान स्थिर होता है, ऐसा कुछ स्वामी का कहना है, यह है उसका तात्पर्य।
ध्यान स्थिर होने के साथ, ध्यान स्थिर होने के साथ और भी कुछ लाभ होता है क्या उससे? सुबह कहा था परिणामी भाव जो कि कर्म निरपेक्ष होता है, और परम परिणाम भाव एक गुण के अपेक्षा से कहा। परिणामी भाव प्रत्येक द्रव्य के पास रह सकते। संसारी जीव का परिणामी भाव और सिद्धों के परिणामी भाव में कुछ अंतर माने क्या? सिद्ध आपने जो जोड़ दिया यहीं पर तो आपने गड़बड़ कर दिया। सामान्य रूप से कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाला जो भाव है उसको पारिणामिक भाव कहा। केवल ज्ञान पारिणामिक भाव इसलिए नहीं, कर्म क्षय से उसका निमित्त होता इसलिए वह शादी अनंत हो सकता, वो तो है ही छूट गया। अब कौन से लेना चाहते हो अपने आप को तैयार हो जाएगा। यदि मान लो ज्ञान मात्र या दर्शन मात्र या उपयुक्त धारणा को धारा को लेके तो बन जाए, उसमें कोई बाधा नहीं, उसमें भेद नहीं कर सकते। परम परिणाम भाव इसलिए कहा कि वह त्रैकालिक होता है ऐसा। हाँ, सभी शुद्धाओ शुद्ध नया एक नया आता है द्रव्य संग्रह में, उसमें एक खुलासा किया है सभी जितने भी जीव हैं वो शुद्ध निश्चय की विवक्षा में शुद्ध हैं, यानी शुद्ध में और इसमें कोई अंतर नहीं। महाराज के अलावा भी बताते हैं क्या कोई केवल ज्ञान को, ओनली ज्ञान को, केवल ज्ञान वीरसेन जय धवल में बताते हैं तो और कहीं भी बताते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों में भी क्या है? अभी तो अगच्छम तद विशेषणा, ये तो बताया आप किसी विशेषण की ओर अपने उपयोग को ले जाए नहीं, और अखंड धारा आपको प्राप्त हो जाए उसके कारण अपने आप ही, क्योंकि जो कोई भी विकल्प पैदा हो जाते हैं वह विशेषताओं को देखने से सुनने से अनुभव में लाने से ही होते हैं। हाँ, इसलिए सपिचा से मुझे ज्ञान को कथनचित प्रत्यक्ष कहा, सामान्य प्रत्यक्ष भली कहा, लेकिन श्रुत ज्ञान को तो हमेशा परोक्ष ही कहा, वो विकल्प ही उससे होते तत्विकल्प नयाम ऐसे सर्वार सिद्धिकार ने कहा, तो उसके विकल्प उस ज्ञानी के श्रोत ज्ञान के जो विकल्प है उसका नाम नय है। दृष्टि जो बनती है वो इसी के कारण बनते, मत ज्ञान हमेशा हमेशा निर्विकल्प जैसा रहता है, जैसा इसलिए कह रहा हूं कि उसमें इस प्रकार के विकल्प की धारा नहीं बनती ऐसा। देवों अच्छा देवों में शापानुग्रह शक्ति प्रभाव है, ये उनकी विशेषता बता रही है शाप देने की, यानी आपको दुखित बनाने की और आपको संतुष्ट करने की, दोनों शक्तियां उनके पास विद्यमान रहती है, ये उनके पास प्रभाव है, लेकिन उपादान आपके पास रहेगा, असाता का उदय रहेगा तो अनिश्चित हो जाए, और साता का उदय होगा तो उनके द्वारा अनुग्रहित होंगे, ये तो निश्चित है। सामान्य रूप से उनके पास शक्तियां विद्यमान है, केवल परंतु धारावाहिक ज्ञान का, धारावाहिक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, तो केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता? धारावाहिक ज्ञान का अर्थ होता है पिष्ट पेशन, जो पीसा हुआ रहता है उसको पीसता रहता है, केवल ज्ञान ऐसा करता है। दूसरी बात, कर्म के अभाव में जो ज्ञान होता है उसमें संशय अधूरापन बहुत बड़ापन आदि आदि कोई विशेषण लगते ही नहीं, इसलिए दारावा का अर्थ ये है वह अखंड बना रहता, इतना अवश्य है कि उसका कभी अंत नहीं होता, उसमें कोई खंडन नहीं होता। नहीं आए तो धारावाहिक वह संशय इत्यादि के साथ चलता है, पृष्ठपेशन चलता है, लेकिन इसमें पृष्ठपेशन नहीं, द्रव्य क्षेत्र का भाव के अपेक्षा से इसमें भी नव नवीनता विद्यमान है। नव नवीनता तो एक विशेषण उसके साथ लगा हुआ है, सिद्धों का सुर कैसा है कल जैसा नहीं, कल का द्रव्य क्षेत्र का भाव अलग था और आज अलग है,
इसके लिए पंचायत के काल में कुंकुम देव ने बहुत अच्छा कहा, भव्य और अभव्य। भव्य वह है जो आगामी पर्याय अपेक्षा भव्य है, अतीत पर्याय अपेक्षा अभव्य कहा। जो पर्याय विदित हो गए उसके अनुसार वह होने की क्षमता नहीं रखता, वह अभव्य हो गया। सिद्ध परमेश्वरी में ऐसे अतीत काल की अपेक्षा से अभव्य है और भावी काल की अपेक्षा से भव्य। तो नवनवीन होता चला जाता, पर्याय पुराने नहीं रहते, वो नई उत्पन्न होगी और नए का ही साथ करेगा। अच्छा ठीक है, पर्याय मूल का अर्थ ये है कि पर्याय के पर्याय में हम गाफिल हो जाते, वो गाफिल होते नहीं, इसलिए नहीं होते, अगले समय में दूसरा और आएगा। लेकिन केवल ज्ञान में इस प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती अब, ये ध्यान रखना। किंतु गेय के अपेक्षा से, आत्मा के जो द्रव्य के अपेक्षा से हमेशा हमेशा नवनवीनता उसमें पाई जाती, जो अगुर्लघु गुण के ऊपर डिपेंड है। कई लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान में भी षडगुण हानि वृद्धि रूप परिवर्तन होता है, ये गलत है, नहीं हो सकता। जो अपूर्व शब्द दिया वो केवल ज्ञान के साथ भी घटेगा क्या? स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, हाँ। तो अपूर्व शब्द जो आया केवल ज्ञान के साथ, जी हाँ, काल में एक क्षण के उपरांत वह अपूर्व तो हुआ, इसलिए धारावाहिक अपूर्व हो गया। पहले जो काल की क्षणिका थी उस समय उसके माध्यम से उन्होंने किया था और वह दूसरे क्षण में दूसरा आया। इसी प्रकार द्रव्य में भी परिवर्तन हो गया, गेय में भी परिवर्तन हो गया। एक स्थान पर यह उल्लेख किया, उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम तीन अपेक्षा से होते हैं, द्रव्य संक्रमण में यह उल्लेख किया। महाराज धारावाहिक ग्रहण के विषय में क्या दो मत है कि प्रमाण है कि नहीं है? जो जान रहा उसी को जानो, तो पृष्ठ पेशा हमने कह दिया, अपूर्ण होना चाहिए। आपने एक बार परीक्षा दे दी, पास हो गए, पुनः उसी में परीक्षा दो, तो क्या कहेंगे आपको? तो ये कह सकते हैं कि नहीं, हम नंबर और बढ़ाने के अपेक्षा दे रहे हैं, जो बात है अपूर्ण हो गया, श्रेणी सुधार चपक श्रेणी अथवा उपचक श्रेणी सुधार, सुधार तो हुआ आपका, सुधार के अपेक्षा दे रहे पृष्ठ पेश दे चलती जाओ। धारावाहिक ज्ञान होता है नहीं, लेकिन वह दिखता है, जैसे अभी ओनली नॉलेज में दिख रहा है ना, उसी प्रकार ये भ्रम होते हैं। निरंतर ज्ञान को धारावाहिक, हाँ ये नहीं। तो अभी तक जो है आपका कोई अंत तो पढ़ा ही नहीं, इसको धारारूप जानना नहीं, धारारूप अखंड रूप ज्ञान प्रवाह चल रहा है। इसलिए बीच में कहा ज्ञान प्रवाह अंतर्मुक्ति उपरांत समाप्त हो जाता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके ज्ञान में खंडन है और दर्शनोपयोग में भी खंडन है। बौद्ध तो केवल प्रवाह ही मानते हैं, हाँ। प्रवाह तो उनके माया के माध्यम से या और किसी के कारण माने जाते हैं, क्योंकि अर्थात सर्व क्षणिकम करते हैं, वो तो क्षणिक के उपासक है। दूसरे के ऊपर क्रिया जो होती है वह दूसरे के ऊपर डिपेंड, उसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। बंद करने रोग, उदय करने रोग, क्षय करने रोग, उपशम करने रोग, जो परिणतियां हो जाती हैं यह दूसरे में होते हैं। हमारे स्वाभाविक परिणाम के ऊपर कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं रहता, इसलिए उसको सामान्य रूप से प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने पारणानुभाव होते हैं, ऐसा भी उल्लेख होता है। ये सामान्य गुण की अपेक्षा से कहा गया, पर की अपेक्षा से सक्रियता आ जाएगी, पर की अपेक्षा से सक्रियता मानी जाएगी, पुद्गल की अपेक्षा से, पर मतलब यहाँ पर जिसमें आप लोग तत्पर होते हैं उससे। महाराज जी पारिणामिक भाव भी अखंड प्रवाह रूप होता है,
हाँ। बीच में खंडित होता है, निरपेक्ष रहता है। हाँ, और परम पारण भाव भी अखंड धारा रूप होता है। हाँ, अखंड, लेकिन चूंकि वहाँ क्योंकि अनुभव की अपेक्षा से ले रहे हैं इस सदृश से, उसमें परम पारिणाम भाव कहा है, सामान्य नहीं हो परम पारिणाम भाव, परम विशेषण लगाया जो कि ज्ञान की ओर या दर्शन की ओर या उपयोग की ओर ले जाने की अपेक्षा से लगाया, जिसके ऊपर अपने को टिकना होता है, ध्यान का वह विषय है। अपूर्वार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा महाराज, क्या इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि पूर्वार्थ ज्ञान अप्रामाणिक हो गया? नहीं, बहुत अच्छा। पूर्वार्थ ज्ञान अप्रामाणिक तब माना जाता है जब आपका विकास नहीं होता। और कुछ शैली में बदल लाट करो क्या? अपूर्व ज्ञान वह अप्रामाणिक तब कहलाता है जब आपका विकास नहीं होता, केवल ज्ञान के बिना भी बैठे विकास नहीं होता, एक कक्षा में बैठे रहे तो वह अप्रामाणिक माना जाता है, जब पढ़ रहे हो तो अगली कक्षा में चलो, जब पढ़ रहे हो सीख रहे हो अगली कक्षा में पढ़ो, इसलिए क्यों? जब पूर्वार्थ भी यदि सम्यक ज्ञान है प्रामाणिक है तो ये लक्षण बांधा तो आप पूर्वार्थ व्यवसाय ज्ञानम प्रमाणम, और ये प्रमाण का लक्षण जो बांधा ये पूर्वार्थ ज्ञान को भी प्रामाणिक मानेंगे हम, तभी तो हमारा चलेगा वो ज्ञान का। एक बार पूर्वार्थ को आपको पास डिक्लेरेशन तो कर दिया, आपको पास हो गए, पुनः वहीं पर बैठे तो क्या बात हो गई? किंतु वो अप्रामाणिक तो नहीं बना दूसरे क्षण में। हाँ, अप्रामाणिक हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन आप वहीं पर रुकेंगे भैया, रास्ता छोड़ दो, ये है विकासशील हो, विकसित तो है, इसलिए तो हमने कहा कि वहां रुके क्यों, रुकने क्यों चाहते, अच्छा लग रहा क्या? नहीं, विद्यार्थी को हमेशा हमेशा आगे चलना अच्छा माना जाता है। आप कुछ रुक जाते हैं इसलिए ऐसा हो रहा छठे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल सप्तम गुण स्थान से दुगुना है, जैन दर्शन में कोई भी ज्ञान है नहीं, अपूर्व ही अपूर्व है, ऐसा इसलिए सम्यक ज्ञान है, धारणा मति ज्ञान है। और हाँ बता रहे सुन सुन, सर्वप्रथम दर्शन के उपरांत अवग्रह हुआ, दर्शनोपयोग वस्तु के सामान्य जो रूपरेखा जिसको बोलते हैं आउटलाइन को पकड़ने का, फिर उसके माध्यम से अवग्रह विशेष पॉजिटिव के रूप में स्वीकार करता है, यह अवग्रह का प्रथम रूप हो गया। अनुभव आगे बढ़ता है, यह सफेद क्या है, सफेद के विशेषणता, यह सफेद अनेक व्यक्तियों के पास सफेद रहता है, ये क्या है, ये यहाँ ज्ञान हो गया, जो विकास जिज्ञास के तौर पर उसमें विकास नहीं, यह पता का ही है, ये हुआ अवाय निर्णय, निर्णय जो संशय जिज्ञासा था उसके लिए हुआ, ऐसा ही निर्णय अवग्रह के पास भी निर्णय था, ये सफेद है, लेकिन सफेद किस वस्तुगत है इसके लिए विशेष ज्ञान माना, इसलिए धारावाहिक नहीं। अब इसके उपरांत कालांतर में विस्मरण नहीं होने वो क्षमता का नाम धारणा है। अब धारणा, धारणा का प्रयोग किसके ऊपर होता है, स्मृति हो आती है तो आपकी धारणा पक्की है, ये क्या स्मृति के उपरांत, फिर इसके उपरांत और पुष्ट करने के लिए तर्क व्याप्ति आदि आदि आते हैं। इस प्रकार ये सारा सारा मति ज्ञान का, मति ज्ञान की यात्रा चली गई आपके, कहां तक चली गई, व्याप्ति ज्ञान तक चली गई, तर्क तक यहां तक चली गई, फिर इसके उपरांत इनके माध्यम से एक कालांतर में अनुभव किया गया था, निर्णय लिया गया था, उसके ज्ञान करते हैं तो उसको वह परोक्ष अनुमान ज्ञान बोलते हैं। परोक्ष अनुमान ज्ञान
कुछ लोग आदि भौतिक को अनुमान मानते हैं, लेकिन अनर्थांतरण जो कहा गया यह अपने आप ही निरस्त हो जाता है। अनुमान ज्ञान हमेशा हमेशा साधना साध विज्ञानम अनुमान लिंगजम इत्यर्थ है। और लिंग ज्ञान माना गया, लिंग का अर्थ था साधन, साधन के माध्यम से जो साध्य का ज्ञान होता है उसका नाम अनुमान है। साधन प्रत्यक्ष होता है, किंतु जो साध्य होता है वह हमेशा हमेशा परोक्ष होता है। तभी ये साधन को लगाना, साधन की क्या आवश्यकता है? हाथ कंगन को क्या बोलते हैं, हाथ की क्या आवश्यकता है? हाथ में ही हाथ जब दिख रहा है तो दर्पण लाओ, हम बता देंगे निकल अच्छा है। इसीलिए मति ज्ञान जो है हाथ हाथ की भांति है, लेकिन जो वहां अनुमान ज्ञान है जो अग्नि इत्यादि है वह परोक्ष है। इसलिए श्रोत ज्ञान हमेशा हमेशा साधन के बाद साध्य का ही ज्ञान होता है, तो वह साध्य हो जाता है इसका। इसलिए मति पूर्वक श्रोत ज्ञान ऐसा कहा गया। तो अनुमान से हम लौटे, अनुमान से लौटे हम कहां पर आए, व्याप्ति पर आए। तो व्याप्ति किसका नाम है, साध्य के साथ जिस साधन का या हेतु की व्याप्ति थी अन्वय रूप में उसको बोलते हैं हम व्याप्ति। व्याप्ति से हम नीचे और आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्मृति थी, स्मृति के बल पर ही उसको व्याप्ति काम लेते, स्मृति में आ गए, हम वापस लौट रहे हैं। ज्ञान को वापस लौटाने की प्रक्रिया आप लोग देख लो, बहुत शांति आएगी। अब वह स्मृति में आ गए, स्मृति कब की थी, धारणा, धारणा से पूर्व कौन सा हुआ था, अवाय, अवाय से पूर्व कौन था, यह से पूर्व कौन था, अवग्रह, अवग्रह में क्या था, श्वेत, यह श्वेत है। क्या श्वेत है, यह वस्तु का ज्ञान है, श्वेत है इतना ज्ञान हुआ था। अब इससे पूर्व श्वेत में, श्वेत से पूर्व में क्या था, दर्शन, श्वेत नहीं है पर आ गए, इसको हम बोलेंगे था, था क्या था, क्या मत पूछो, क्योंकि दर्शन में इतना ही था, नहीं था ऐसा नहीं, क्योंकि नहीं था अवस्तु हो जाए। इस प्रकार हमने अपूर्व 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 तो जानते चले गए, केवल ज्ञान पूर्व को इसलिए नहीं पकड़ता, उसके पास इतनी क्षमता आ गई लौटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमेशा हमेशा उसके पास प्रसन्न पूर्णता रहती है, तो शंका को संभाल नहीं होता। इसीलिए इन्होंने उसको, हम पीछे लौटते चले जाएंगे तो मालूम पड़ेगा हमारी यात्रा कितनी गलती होती चली गई। जब तक आपको विकल्प होता रहता सफेद तक, तो वो आपको विकल्प है, सफेद के बाद था कुछ हो सकता है, क्या मतलब, ये तो हो सकता है कोई अच्छा हो गया, बिगाड़ने वाला तो बुरा हो गया, ये कोई विकल्प ही नहीं, उसमें था है। ये बोलते हैं दर्शन। हमारा परिणाम उपयोग का हमेशा हमेशा अंतर्मुहूर्त के बाद इसी प्रकार बदलता रहता, सफेद समाप्त हो जाता है या विशेषण सब समाप्त हो जाते हैं, है बस है तक आ जाते हैं तो थोड़े से राहत मिल जाती है। नहीं समझे, धारणा के आत्मा के ऊपर कैसे घटेगा वग्रह या वाय धारणा, आत्मा के ऊपर, हमने कहा ना संवेदन तो हो रहा है, हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता, अनुमन कर लो मैं था क्या नहीं हूं, हूं इसका अर्थ पहले भी था, इसका अर्थ भी पहले भी था, शांति, कल रहूंगा क्या नहीं, अरे कल था आज हूं, तो इसी प्रकार आज हूं कल रहूंगा, सही कार्य सब। आचार्य जी, केवल ज्ञानी संसारी होता है ना, केवल ज्ञानी संसारी रहता है, केवल ज्ञानी संसारी रहता है, हाँ केवल ज्ञानी संसारी रहता है, नहीं नहीं ठीक, बहुत अच्छा ऐसा है, जो उपग्रह छोड़ते हैं ना, उपग्रह छोड़ते हैं, उपग्रह तैयार किया जाता है और उसको प्रक्षिप्त किया जाता है,
तो प्रक्षिप्त करते हैं, तो प्रक्षिप्त करके स्टेशन ले जाते हैं और उसको प्रक्षिप्त करते हैं। अपनी कक्ष के ऊपर वो पहुंच जाता है, नीचे आता है क्या? बोलो, नहीं आता। पकड़ करके खींच लो, नीचे आ जाता है। नहीं, जब तक उसमें ईंधन रहेगा, तो ये ईंधन अनंत काल तक है, तो आएगा ही। इस पर महाराज जी थोड़ी और क्या विस्तृत दृष्टि होना चाहिए। जैसे धारणा मुक्ति ज्ञान के द्वारा जो उपलब्ध ज्ञान था, स्मृति में वही ज्ञान तो आता है, इसमें अपूर्वार्थ क्या आया? पूर्वार्थ ज्ञान जो धारणा के द्वारा उपलब्ध, सुनो, अपूर्व का अर्थ, अपूर्व का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है। स्मृति के पूर्व में जो धारणा बनाई थी उसकी स्मृति हुआ है, तो वही ज्ञान हुआ। जो सुनो, स्मृति में और धारणा में बहुत अंतर है। सुनो सुनो सुनो, हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो, मति ज्ञान की कई विधाएं हैं या विशेषताएं हैं। स्मृति कब होती है ये बोलो आप। स्मृति कालांतर में तो अवधारित है, उसकी होती है, तो धारणा के बाद आते। धारणा हमने की थी, धारणा हमने की थी, यह स्मृति के माध्यम से आ जाए। तो स्मृति यद्यपि वर्तमान में है, क्या कह रहा हूं, स्मृति यद्यपि हमारी ज्ञान की परिणति वर्तमान में है, किंतु अतीत के वस्तु की है। हाँ, स्वयं तो स्वयं तो वह बुद्धि में जो धारा आती है, ये वही है, ये वही है। ये क्या है? वह जो लगा अतीत के अपेक्षा से लगा, वर्तमान नहीं हो। स्मृति हेतु धारणा, हाँ, तो स्मृति तो पहले का लगा धारणा नहीं। स्मृति के हेतु का कारण यूं समझो, हेतु का अर्थ स्मृति को पैदा करने के लिए कारणभूत धारणा पहली है, ये बिल्कुल ठीक है। स्मृति होने के लिए कारणभूत धारणा है, बिल्कुल ठीक है, आप ही तो ठीक है। स्मृति होने में धारणा हेतु ऐसा लगा हूं हमेशा प्रत्यक्ष ही काम करता है, परोक्ष में होता ही नहीं मति ज्ञान के अपेक्षा से। अब होता ही है कि हम अतीत की वस्तु की पकड़ रखी है, तो उसके कारण उसकी स्मृति हुआ। इसीलिए स्मृति होने के कारण प्रत्यक्ष आदि सब फेल हो जाते हैं। तो स्मृति के लिए पहले तो विस्मृति भी कहते हैं, तो विस्मृति हो जाती है तब स्मृति हो रही है। स्मृति का विस्मरण रूप है वो जी। विस्मरण किसका? प्रत्यक्ष का विस्मरण हो जाता है तो वह पुनः आ जाता है, तो स्मृति हो जाती है। इसको हम जोड़ रूप ज्ञान बोलते हैं। जोड़ रूप ज्ञान का अर्थ होता है प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष होने के उपरांत सदृश प्रत्यक्ष आदि देख करके वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता, स्मृति उसके साथ जुड़ जाती है, तो यह जोड़ रूप हो जाता है। न प्रत्यक्ष में है और न स्मृति में है, ये तो जोड़ रूप प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, तो है एक नहीं है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान एक नहीं होता, उसी प्रकार स्मृति मिलती नहीं। स्मृति अलग अलग रूप में है, प्रत्यक्ष अलग रूप में है, स्मृति जोड़ करके प्रत्यक्ष करते उसको प्रत्यक्ष ज्ञान, सब कुछ मिट जाता है उसका। अभी आपके द्वारा कहा गया था पुष्प कि आविर्भूत को कुछ लोग अनुमान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये शब्द कहा, तो क्या आपकी धारणा में आविर्भूत को अनुमान के अंतर्गत नहीं रख सकते? सुनो, क्योंकि साधन प्रत्यक्ष होता है और साध्य तो है,
परोक्ष होता है तभी अनुमान सार्थक होता है। यदि आविर्भूतिक ज्ञान हम जैसे साधन का ज्ञान है उसी प्रकार अनुमान को भी प्रत्यक्ष मान लेंगे तो उसमें एक अंग के कारण शेष अंग में भी प्रत्यक्षता का अंतर्भाव करके के उसको हम कह सकते हैं। अथवा अनुमान परोक्ष होता है उसको गौण करके मति ज्ञान तो साधन का एक अंग है उसको प्रत्यक्ष होने के कारण उसको हम आविर्भूतिक कर सकते हैं। वस्तुतः वह हम उस साधन को लेकर के चल रहे हैं इसलिए कहा जाता है संभव है जहाँ तक स्मृति है। प्रभाचंद्र जी ने कहा है, प्रभाचंद्र जी ने और विद्यानंद महोदय ने श्लोक वार्तिक में भी संभव ऐसा नहीं, लेकिन इसमें इतना अंतर अवश्य है। ये अंतर यह है कि साधन जो हमेशा प्रत्यक्ष होता है धुआं दिख रहा है, धूम्र जो दिख रहा है यह प्रत्यक्ष हो गया। धूम्र सो अग्नि नहीं है लेकिन अग्नि के बिना भी धूम्र नहीं है, तो धूम्र जो है कार्य हो गया और अग्नि जो है कारण हो गया, इसलिए धूम्र को प्रत्यक्ष जैसे स्वीकारा उसी प्रकार अग्नि को भी स्वीकार करके हम इसको अभिनिबोधि ज्ञान पे ले लेते हैं, इसको मत ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा हमेशा यह श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। श्रुत ज्ञान अर्थांतर होता है जो कि धुआं से अग्नि अर्थांतर है, क्योंकि धुआं जो है आंख का विषय बन रहा है और हमारा अग्नि का ज्ञान आंख का विषय नहीं बन रहा। आंख का विषय बन जाएगा, आंख का विषय बन जाएगा तो उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे, अनुमान नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अकलंग देव ने इसको स्वीकारा नहीं है। पहले से आई हुई उनको जीवन को भगत और अभगत जो पारणाम भाव के खेल किए गए हैं ये कर्म निरपेक्ष हैं। उसी प्रकार परम भाव परम पारणाम भाव को भी हम कर्म निरपेक्ष कह दें इसमें कोई अन्योक्ति नहीं, इसमें भेद लाना चाहते हैं तो वह धारावाहिक नहीं बन सकेगा। धारावाहिक का मतलब प्रवाह उसमें नहीं आ सकेगा, वो तो खंडित हो जाएगा। उसमें भेद नहीं लाने के लिए तो स्थिरता लाने के लिए तो उसको परम पारिणाम भाव घोषित किया गया। इसलिए प्रश्न है किसी का अभी तो ये आधा घंटा इसी को तो चर्चा हमने की है। परम पारणाम धात का आने के लिए शब्दानुच्चारण भी स्वस्य अनुभव न अर्थवत, ये इसका सूत्र है, ये परीक्षा मुख का सूत्र है। बिना शब्दों के भी आप कर सकते आराधना। ज्ञान गुण में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते, केवल ज्ञान आदि या ज्ञान गुण की ही पहुंच प्रज्ञा है। अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा से केवल ज्ञान एवं मुक्ति ज्ञान में किंचित समानता नहीं मिलनी चाहिए। नहीं तो ये तो वो केवल ज्ञान के जो अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या है वो अब बहुत ही लंबी चौड़ी है। ऐसा कहा है केवल ज्ञान कैसा है तो परमात्म प्रकाशकार ने यह कहा है अलोक आकाश का कोई अंत है नहीं, छोर है नहीं, उसके बीचों बीच में लोकाकाश है। कितना छोटा है ये तो केवल असंख्यात प्रदेश वाला है और वह चारों तरफ दसों दिशाओं में अनंत अनंत है। ये अलोकाकाश में लोकाकाश का जो अस्तित्व है और लोकाकाश में एक
तारा के क्या अस्तित्व है? एक तारा और लोकाकाश में है, तो तारा जिस प्रकार लोकाकाश में टिमटिमाता है और लोकाकाश तारा सहित अलोकाकाश में कितने टिमटिमा रहे हैं, उसी प्रकार केवल ज्ञान में असंख्यात लोक भी तारा की भी मिसाल में नहीं आ सकते। ऐसा केवल ज्ञान का एक विराट रूप, इतनी क्षमता इसके पास विद्यमान है कि और भी आ जा और भी आ जा और भी आ जा। इसलिए मति ज्ञान से इसका बहुत बड़ा रूप है। ऐसे प्रश्न था इन्होंने, छठे गुण स्थान का काल तो हो गया। उसमें परिकरण का एक उदाहरण दिया है, वो वहां से प्रारंभ करते हैं, जीव अनंतानंत है, उससे भी अनंतानंत पुद्गल परमाणु है, उसके भी अनंतान असंख्यात लोग प्रमाण वज्ञिजमाना वज्ञिजमाना ऐसे शब्द है, असंख्यात लोग को असंख्यात लोग से वर्ग करते चले जाइए, फिर इसके उपरांत वो असंख्यात बार वो वर्ग कर दीजिए, जो आएगा राशि आएगी, फिर इसके उपरांत धर्म धर्म के अविभागी प्रतिच्छेदों की बात, अगर लोगों ने चल गया अदर धर्म अधर द्रव्य, फिर इसके उपरांत आकाश काल इत्यादि लेते 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 सारे चले गए, सब वर्ग असंख्यात बार असंख्यात बार वर्ग करने के उपरांत फिर ज्ञान गुण की अविभागी प्रतिच्छेदों की शुरुआत होती है। वह उसमें संभव है, पंडित साहब जो समझते होंगे लब्धि पर्याप्त जीव के अविभागी प्रतिच्छेदों के राशि आ देते हैं, एकेंद्री जीव में जो लब्धि पर्याप्त है उसको उन्होंने वहां पर शक्तांश इतनी राशि हो गया। अब इसका विकास आप करिए, श्रुति केवली तक ले जाइए, फिर इसके उपरांत केवल ज्ञान में ले जाइए, तो ये राशि बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। मति ज्ञान के पास तो अविभागी प्रतिच्छेद है, उससे केवल ज्ञान के पास तो बहुत अक्षर, इसके आगे किसी की भी फिर नहीं। इसी प्रकार दर्शनोपयोग की भी बात कही गई है, जो ज्ञान गुण के अविभागी प्रतिच्छेद है वही दर्शन गुण के भी अविभागी प्रतिच्छेदों की बात है। कैसा कहा जब पराये यदि पकड़ रखे हैं तो परायों को तो छोड़ा ही जाता, कैसे छोड़ेगा, तो कैसे जोड़े, जैसे जोड़े हैं वैसे कैसे छोड़ो, उसमें क्या बात है। नए के माध्यम से किसी वस्तु के अंश का ज्ञान होता है, ये निश्चित बात है, लेकिन वह तो उतना ही होता है, ज्यादा नहीं हो सकता। और पर सापेक्ष अथवा यूं कह दो पर का निषेध नहीं करेंगे तो नए के अंतर्गत आ जाता है, पूरा का पूरा तो आ ही नहीं सकता, समूह मिलकर के भी यदि कर लें तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी क्षमता एक पार्ट का ही ज्ञान होता है, नए के माध्यम से पूर्णता का ज्ञान हो ही नहीं सकता, ये निश्चित बात है। नयों का विषय जब चलेगा उस समय और खोल करके बताऊंगा। हाँ बहुत अच्छा है, ये समय तो आपका ज्यादा नहीं हो रहा, सुनो सुनो बहुत अच्छा। अविभागी प्रतिच्छेदों के अपेक्षा से समानता नहीं हो सकती, किंतु दूसरी अपेक्षा से उसमें समानता लहर गई है, जैसे केवल ज्ञान के द्वारा सबको देख लिया
हैं और आप खड़े हैं केवल जी भगवान के सामने। महाराज आपने जो कुछ भी जाना मैं उसको माना, बस सद्धान की अपेक्षा से, मान्यता की अपेक्षा से आप शुद्ध केवली हो गए। वे साक्षात हैं और आप उस साक्षात के आधार को मानने वाले हैं, इसलिए आपको भी शुद्ध केवली कहा गया। परोक्ष यह है, असाक्षात का अर्थ इसमें परोक्षता है। सद्धान के बेस पर आपने उसको जाना, प्रत्यक्ष रूप से स्वतः ज्ञान का विषय कोई भी नहीं बन सकता, ये निश्चित है। मति ज्ञान में कथनचित संवेदन है प्रत्यक्ष होने के नाते, अर्थ के साथ हमारा कुछ संबंध जुड़ जाता है, किंतु परोक्ष ज्ञान के साथ मान्यता ही एकमात्र चलती है। स्वतः ज्ञान में मान्यता आती है, इसलिए उसको परोक्ष ही कहा। अनुमान हमेशा जैसे परोक्ष होता वो स्वतः ज्ञान का रूप होता, ये निश्चित। पारनांग भाव उपाधि है कि परम पारनांग भाव उपाधि है? उपादे वस्तुतः अभी हमारे लिए कि मुक्ति है, नहीं समझे, मुक्ति है यह ध्यान लगाने के अपेक्षा से परम पारिणाम भाव आदि अनंत काल से परम पारिणाम भाव है ही हमारे पास, उसके द्वारा हमारा कुछ हुआ ही नहीं। लिखा गया कर्म निर्जरा तो होती है क्षयोपशमिक, क्षायिक, औपशमिक के माध्यम से, औदयिक के माध्यम से बंद होता है। परिणाम भाव जो है न मुक्ति के लिए कारण है और न संसार के लिए कारण। आप क्या चाहते हैं, ऐसे प्रश्न को उत्तर हम क्या दें? आप कुछ भी नहीं चाहते, परिणाम भाव तो आपके पास है और क्या प्राप्त करना, वो तो है ही। अविनिबोधिक ज्ञान का अर्थ अनुमान होता है, आपने ऐसा बताया। प्रत्यक्ष साधन को देख करके परोक्ष अग्नि का ज्ञान होता है, ये स्वतः ज्ञान हो गया। तो स्वतः ज्ञान एवं अविनिबोधिक ज्ञान में क्या अंतर है? अविनिबोधिक ज्ञान को भी अनुमान के रूप में जिनने स्वीकार किया है उसके लिए अविनिबोधिक ज्ञान का अर्थ अनुमान है, क्योंकि वह भी मति ज्ञान का ही अंग होता है, ये इसका फलितार्थ है। और जिसको ये इष्ट नहीं है वह अनर्थांतरम ऐसा कह करके स्पष्ट कर दे। स्वतः ज्ञान में अनुमान आता है, ऐसी जो मान्यता है वो इससे प्रसिद्ध हो जाता है। हो गया और कल देख लेंगे। चार अठारह है अगुर लघुत्व सामान्य गुण में, अगुर लघुत्व गोत्र नाम कर्म के क्षय से प्राप्त होने वाला वह और अगुर लघुत्व नाम कर्म का जो भेद है इनमें क्या अंतर है? सिद्धांत प्रवेश का में इसका अंतर बताया गया है। स्पष्ट लिखा उसमें ज्ञान धारा रो ज्ञान कर्म धारा से बाधित होता है क्या? अभी तक तो बताया केवल ज्ञान के द्वारा, उदय के द्वारा भी उस ज्ञान धारा को किसी ने आज तक नहीं मिटाया, तो बाधित होने का कोई सवाल ही? हाँ, बाधित तो होती तो है, वह क्षीण होती हुई लब्ध पर्याप्त तक जो एकेंद्र जीव है वहां तक पहुंच गई,
उसके बाद उसका कोई अभाव नहीं करते, यह जीव का लक्षण है। परम पारायण भाव का स्वामी कौन है? शब्दानुच्चारण की अपेक्षा से मनस्थान पर परम पारायण भाव का विभाजन कैसे कर सकते? गुणस्थान पर तो ज्ञान धारा को तो नीचे से लेकर के सिद्धों तक ले जाओ ना, गुणस्थान ही क्यों करते हो? कोई भी गुणस्थान हो, उस गुणस्थान में वह उपयोग धारा को अपने विषय बनाओ तो वह बनती चले जाओ, सिद्धों में भी बनाती चले जाओ, वहां पर भी बैठो नहीं, क्योंकि सिद्धों में ध्यान नहीं होता, ध्यान रखना। विभाजन तो ऐसे किया बस। और कोई है? जो अपूर्व विशेषण दिया है उस विशेषण को आचार्य मालिक ने मुझे के और किसी ने भी क्या स्वीकार किया? क्यों नहीं किया? किया स्वसंवेदन ज्ञान किया ही तो। अध्यात्म में आत्मा कैसे है? योगी इति वेद पुराण शास्त्रे, ऐसा भी और आ जाता है ना पंक्ति द्वात्रिमिष्टिका में आ जाते हैं, योगी गम्य स्वसंवेद्य। स्वसंवेदन होता है जो शब्दों के बिना भी होता है, ये पहले ही बताया, सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। आज का ये हाँ बोलो अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज कुंकुन देवी की 50 इकाई के उपसंहार में आई हुई एक गाथा है। वे क्या कहना चाहते हैं उससे पहले तो कह दिया उन्होंने, मैंने क्यों कहा इसके लिए अंत में वो कहते हैं मार्ग की प्रभावना के लिए प्रवचन भक्ति से प्रेरित होकर के मेरे चित्त ने इस प्रवचन सार संग्रह जो 50 इकाय है इसका निरूपण किया। मार्ग की प्रभावना अनिवार्य है क्योंकि हम चल रहे हैं मार्ग पर और भी लोग चलना चाहेंगे, यदि यह मार्ग रहेगा तो चल पाएंगे और हमारी भावना हमारे तक सीमित न रहे, यही प्रवचन सार की भक्ति है। और उस भक्ति से ओतप्रोत होकर के मेरे चित्त ने ये काम किया, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, इसका सेवन इसका उपयोग इससे सभी लोग लाभान्वित हो मात्र एक उद्देश्य रखा है। 2000 वर्ष पूर्व में आचार्य कुंदकुंदे आदिदम कादत्वम वाली बात को चरितार्थ करते हुए भी जम सकई पर अभी कादत पर हिदम अभी कादत बनती कोशिश पर का भी मैं कल्याण करूं कर सकूं, लेकिन मैं अपना कल्याण नहीं कर सकूं तो दूसरे का कल्याण होना मुश्किल है, संभव नहीं। और मार्ग के भक्ति के प्रति उत्प्रेरित होना
अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह मग्गत भावनात्म कहा। प्रवचन भक्ति का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा शास्त्र की भक्ति के लिए यह होना अनिवार्य है। आज शास्त्र के आदि में और अंत में मंगलाचरण प्राकृत आत्मा की ही जाती है। यह कुंभकुंभ परंपरा से बिल्कुल विपरीत है। केवल आत्मा की बात बाद में की जाती है, पहले परमात्मा की बात करो। जो चल करके गए हैं, मार्ग जिन्होंने प्रशस्त किया है, उसकी बात हम नहीं करते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, यह एक प्रकार से कृतज्ञता की विरुद्ध है। साधु का कर्तव्य होता, सज्जन का कर्तव्य होता, वह सर्वप्रथम कृतज्ञता ज्ञापित करना। नहीं विस्मरन्ति साधवः कृतम् उपकारं। विद्यानंद जी महोदय ने जहाँ तक स्मृति है, आप परीक्षा में इसको सोपन की टीका सहित आपकी परीक्षा करने वाले आचार्य विद्यानंद महोदय हुए हैं, उन्होंने ये लिखा कि उन्हीं उपकारों को नहीं भूलना ही साधु है। तो यह है क्योंकि साधु श्रोमणी आठार श्रोमणी जैसे हैं कुंद कुंद, और वो कैसे भूल सकते हैं इस बात। वह प्रवचन सार संग्रह यानी पंचास शिकाय हमने प्रवचन भक्ति से ओत प्रोत होकर के लिया। ऊपर ऊपर से नहीं, उपचार से नहीं, किंतु गदगद हो करके लिखा। इसके माध्यम से आगे होने वाले विद्वान अथवा साक्षर हो या निराक्षर हो, कोई भी हो, इसको सुन भी लेगा सुनाने वालों को साक्षर होना आवश्यक है, सुनने वालों को कोई नियम नहीं। क्या कहा आप सुन रहे हैं? सुनाने वालों को साक्षर होना अनिवार्य है, सुनने वालों को साक्षर की कोई आवश्यकता नहीं। कान भर अच्छे रहे, मन भर कानों में आ जाए, दुकानों में न जाए, पर्याप्त। पिबत पाए वा अन्यान। स्वामी समर्थ महाराज जी ने भी प्रोषदों को आप अगर करते हैं उस समय उस व्यक्ति को कहा स्वयं भी पियो, यदि दूसरा पीना चाहे तो उसको भी बुलाओ, आ जाता है तो उसको भी पिला दो। क्या पिलाना ये स्वयं देखो, क्या पीना स्वयं। ये कार्य का यह गाथा मुझे बहुत झकझोर करती है। जो आत्मा की बात करने वाला व्यक्ति होनहार जितने आत्माएं हैं अपने छोड़ करके, उनके लिए भी ऐसी प्रेरणा दी है कि प्रवचन भक्ति करना सीखो, प्रवचन करना नहीं। प्रवचन भक्ति करना सीखो, प्रवचन करना है। जो प्रवचनकार हैं वे प्रवचन भक्ति यदि नहीं करते हैं तो उनके शास्त्र की आराधना हो ही नहीं सकती। को तिस भांत पदारत पान कहां रहते अभिचारी। ये पंक्ति ऐसी है हृदय तक पहुंच जाती है। दीपक के अभाव में अंधकार में कहां पर हमारे पैर पड़ते, कहां किस गड्ढे में हम चले जाते। ये जनवाणी यदि नहीं होती, श्रुत की आराधना यदि नहीं होती तो हम कहां चले जाते। ये अवश्य है, सुनने वालों को कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सुनाने वालों को आद्योपांत कहां कहां पर कैसा कैसा लिखा गया है इसका यदि चित्त में अवधारण नहीं है तो वह निश्चित रूप से जो भूख का प्यासा सामने आया है उसके ऊपर करुणा नहीं कर सकता। जो खिलाने वाला होता है, जो खाने वाला होता है, खाने वाले को भूख लगी है वह अपने आप को होश आवाज को खो सकता है, लेकिन जो खिलाने वाला होता है उसका कर्तव्य होता है ये पेट में जाकर के इसके चित्त की शुद्धि कर सके, इस ढंग से ध्यान रखता। यदि परोसने वाला भी विवेक खो दे तो सामने वाला तो अन्न को बचा ही नहीं सकेगा। कब
किस वक्त किसको कितनी मात्रा में देना यह पहुंचने वालों के ऊपर आधारित है। यह यदि अध्ययन नहीं है वह व्यक्ति स्वयं को भी बचा नहीं सकेगा और दूसरे को भी बचा नहीं सकेगा। यह अनिवार्य है, उसके ऊपर दायित्व का बहुत बड़ा भार है। उस भार को वहन करने वाला व्यक्ति यदि करुणा से ओतप्रोत नहीं है तो वह उसका कोई अधिकार नहीं है वह दूसरे को बचा सके। भाव कर सकता बचा नहीं पाएगा। करुणा पहले चाहिए कहे सीख गुरु, लेकिन करुणा की आज दुर्दशा ये हो रही है हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे पंडित जी ने कहा महाराज प्रशस्त राग है, राग तो राग है, प्रशस्त राग किससे उत्पन्न होता है और राग कभी प्रशस्त होता है क्या, ये सोचने की बात है। राग के साथ रहने के कारण जो भाव है वह प्रशस्त माना जाता है। 25 कथाएं होती हैं और 3 दर्शन मुनि संबंधी 28 का परिवार है। उसमें कषाय तो होते हैं वह 16 है और 9 कषाय हैं, ये 25 हो गए। 3 दर्शन मुनि संबंधी है, जितने भी घातिया कर्म हैं वो सारे सारे अप्रशस्त ही माने गए। ये बाल गोदाई करते थे 28 मोहनी की प्रकृति में घाती कर्म तो आ ही जाता, घाती कर्म के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मोहनी की कोई भी प्रकृति नहीं जो प्रशस्त हो जाए। आप पहले समझने का प्रयास करिए, कर्म सिद्धांत जिसको आता नहीं पढ़ने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दुनिया के साहित्य पढ़ने की अपेक्षा से इस साहित्य को आलोड़ित करिए। 4 घातिया कर्म में कोई भी प्रशस्त प्रकृति नहीं है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराकार, ये 4 इनमें चाहे उत्तर प्रकृति हो चाहे मूल प्रकृति हो सारे सारे अप्रशस्त है, पाप प्रकृति। अप्रशस्त का क्या होता है, पाप प्रकृति। और प्रशस्त प्रकृति यदि होगी तो अघाती में होगी, उसकी आप डिटेल देख लीजिए, 7 आदि है। अब प्रसंग यहां पर प्रशस्त राग क्यों कहा गया, राग को प्रशस्त क्यों कहा गया। मोहनी की जब चेली है तो उसको प्रशस्त क्यों कहा गया, सोचने की बात है। इस प्रशस्तता के विषय में जितने भी कर्म है उनको हम देखते हैं प्रशस्त और अप्रशस्त है, लेकिन आगाते कर्मों में ही प्रशस्त अप्रशस्त का विकल्प है, किंतु घाते कर्मों में क्यों प्रशस्त आ गया, एक पॉइंट है। रात दिन चिल्लाते रहते प्रशस्त्रा प्रशस्त्रा, हाय कहां से आया वो मुझे बताओ, सारे सारे अप्रशस्त ही है मोहनी प्रकृति, तो प्रशस्त क्यों कहा गया। दिमाग से ठंडे दिमाग को तो सोच जा सकता है, यदि गर्म है नहीं सोचा जा सकता। स्वास्थ्य का एक प्रतीक होता है पैर गर्म रहे, पेट नरम रहे, माता हो ठंडा, वेद जी महाराज घर पर आ जाए लिखा हो ठंडा। पैर तो ठंडे हैं आपके, पेट तो कड़ा और माथा खड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे बताओ। कोई नहीं, आपके घर में ही वैद्य आ जाए, आपकी चिकित्सा नहीं। ठंडे दिमाग से सोचो प्रशस्त राग कहां से आया, राग को प्रशस्त कहने का क्या आया। जो अप्रशस्त है लोक नीति है, मुस्कान हमेशा दिखती है, भद्र परिणाम है, प्रसाद मुख वाला है, हर व्यक्ति चाहता है, इनको है वह कषाय क्या
हास तो कैसा है, मुख खिला हुआ होना चाहिए, भगवान का मुख तो खिला नहीं, हम क्यों खिले नहीं, रो नहीं अमंगल है। जिस प्रकार शोक अमंगल है उसी प्रकार अध्यात्म में हास मुस्कान भी अमंगल है। क्या हुआ अध्यात्म की बात करते हुए प्रशस्त क्यों कहा आपको, यह अध्यात्म तक ले जाने में आपको कुछ बाधा पैदा नहीं करेगा इसलिए उसको प्रशस्त कहा। वस्तुतः वह उसका वंश पाप है किंतु राग को प्रशस्त कहा। एक बात और, कर्म सिद्धांत में कहीं भी नहीं कहा, लेकिन कहा क्यों, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति है वहां तक यदि आप जाना चाहते हो पहले प्रशस्तता को प्राप्त कर लो। वो प्रशस्त क्या है, कर्म प्रकृति में तो राग को प्रशस्त बना, क्योंकि घाव के कर्मों को नष्ट करना है तो भूमिका प्रशस्त भूमिका में ही उसको हम बना सकेंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए कहा गया रोग की चिकित्सा की जाती है उसके उद्रेकता को थोड़े से दबाओ फिर बाद में चिकित्सा करो, नहीं तो नहीं कर सकोगे। तो इसीलिए जो स्वस्थ हुआ है उसके प्रति अनुराग प्राप्त कर लो, यह धार्मिक नीति है। और जो आज इसको यदि समाप्त करना चाहता कोई व्यक्ति तो वह व्यक्ति चिकित्सा करना नहीं जानता और वह वैद्य के योग्य है ही नहीं जो व्यक्ति पहले इसको समाप्त करना चाह रहा है। समाप्त तो अपने को करना है लेकिन पहले रोना बंद कर दो। आचार्यों ने कहा है कि रोते समय सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगा, सम्यक दृष्टि रो सकता है। सम्यक दृष्टि सो सकता है लेकिन सोते समय सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। ये भूमिका कर्म सिद्धांत में बताई गई है। सम्यक दर्शन की भूमिका कहां बनेगी, जागरूकता साकार उपयोग, सो रहे गलत बात। वह शरबी रेशा छोल रेशा आ सकते सम्यक दृष्टि के पास, सम्यक दर्शन की भूमिका में तो शुभ प्रशस्त लेशाइयों लेशा जो लिपती है कर्मों से आत्मा को, उस लेशा को हम प्रशस्त क्यों कहे। आचार्य ने कहा कल तीन लेशा संसारी प्राणी के लिए अभिशुद्ध और शुभ लेशा साधु का लक्षण। क्या हुआ आत्मा का लक्षण तो नहीं, आत्मा का लक्षण तो नहीं। कुंद कुंद ने कहा कि शुभ लेशा साधु के पास रहे अशुभ लेशा न रहे क्योंकि पाप का बंध होता है। घातीय कर्मों को नष्ट करने के लिए पाप का बंध जो है सर्वप्रथम मुक्त कर देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। पाप का संवर किए बिना पुण्य का संवर होता नहीं, यह कर्म सिद्धांत है। यदि यह प्रवचन में नहीं लाया जाता है तो वह प्रवचन के अधिकारी नहीं। और दूसरी बात यह यदि लाता है तो करुणा के बिना यह आ नहीं सकता। और पहले से कहा गया यह प्रशस्त राग, राग तो अनेक प्रकार के विषय आमतौर पर छोड़ दिया लेकिन प्रशस्त राग को छोड़ना अध्यात्म है, यह बिल्कुल विपरीत अध्यात्म का प्रवचन है, आगम सम्मत नहीं है। पहले प्रशस्त राग आया कहां से मुझे बताओ, राग प्रशस्त हुआ क्यों, वह केवल वीतरागता को ही चाहता है इसलिए उसको प्रशस्त राग कहा। राग कभी प्रशस्त नहीं हो सकता, वीतरागता को चाहता है इसलिए वह प्रशस्त राग। ऐसा राग हमारे लिए अभिशाप नहीं हो सकता, अभिशाप नहीं है किंतु वरदान है जिसके द्वारा पुण्य का बंध होता है। मोक्ष मार्ग में वह अभिशाप है ही नहीं,
डंके की चोट के साथ कह सकते हैं, मैं अपने तरफ से नहीं, हमसे पहले आचार्य ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, यदि मैं नहीं कहता हूं वह हमारे प्रति अवश्य नाराज हो सकते। आज्ञा है, आदेश है, पुण्य का बंध मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, आप लिख लीजिए और हमें बता दीजिए। गत साल सुताराधन ने यह कहा था कि पुण्य के बंध कहां से प्रारंभ होते हैं और सम्यक दृष्टि कौन से पुण्य कर्म का क्षय करता है, कौन सी निद्रा समर करता है, हमें बता दीजिए। यदि नहीं बताते हैं तो आपके पास कतहरा भी नहीं है कर्म सिद्धांत संबंधी, और आप संवर और निद्रा तत्व के कथन करने के अधिकारी नहीं है। और आज तक यदि आप इस प्रकार प्रवचन दिए हैं वो सारे के सारे एक प्रकार से विपरीत प्रवचन हैं, और जो समीचीन प्रवचन के लिए यदि घातक आप बनाना चाहते हैं तो महान अन्याय किया। किसी ने भी किया हो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगम यही कह रहा है। जुडिशियल सिद्धांत अपने आप में स्वतंत्र होता है, कार्यपालिका का वह दास नहीं होता, ध्यान रखिए। वह कार्यपालिका माने या न माने या उसकी बात है, लेकिन वह कहेगा अवश्य। लेकिन भारतीय संविधान की कुछ ऐसी लचकदार पद्धतियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उलट नहीं, ऐसे कहते हाथ जोड़ करके, अभी भारत की ऐसी क्षमता है। नेहरू जी के काल में आया, नेहरू जी ने यह जवाब दिया। इंदिरा जी के काल में आया, इंदिरा जी ने भी यही जवाब दिया। फिर इसके उपरांत और आए, उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब 60 साल तो हो गए स्वतंत्रता मिलने के उपरांत, शताब्दी पूर्ण होने को है, अभी भी भारत के पास एक क्षमता नहीं है, भारत की उन्नति संभव नहीं। इसलिए नहीं, न्याय को उच्च मानते हुए भी न्याय का पालन नहीं ये गलत है। सूत्र है संविधान में फिर भी उसका पालन नहीं, ये मान अपराध है। और ये हो रहा, ऐसे ही ये इधर भी अपराध प्रारंभ हो गए, हमें कोई मतलब नहीं। जुडिशियल पॉइंट तो हम देंगे, अब मानो या न मानो तो आपकी बात है। मनाने वाले को जाने, हम मनाना पसंद नहीं करते, जो महामना है उसको मनाया नहीं जाता, ध्यान रखो। और आप महामना है मैं समझता हूँ, आप मानेंगे अवश्य, लेकिन मैं मनाना नहीं चाहूँगा। और बार बार हाथ जोड़ कर कहेंगे हमें नहीं हाथ जोड़ो, श्रुत के लिए आराधना के लिए आप हाथ जोड़िए। ये बिल्कुल कहा गया है कि प्रशस्त राग क्यों हुआ प्रशस्त, जब कहीं भी नहीं लिखा गया। शोक तो ठीक नहीं और प्रशस्त राग अच्छा क्यों। मोक्ष मार्ग में पुण्य का बंध अभिशाप का काम करता ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे सम्यक दर्शन ऊपर उठता चला जाएगा रत्नत्रय की ओर, वैसे वैसे पुण्य का जबरदस्त बंध होता जाएगा। क्षयोक्षम भाव के साथ ही नहीं, ध्यान रखो, और डोमिनेट सशक्त जो होता क्षपक श्रेणी, इसके उपरांत अंतर्मुख में केवल ज्ञान उत्पन्न होना सबसे ज्यादा उत्कृष्ट अनुभाग बंध पुण्य में पड़ेगा, तो वह क्षपक श्रेणी के दसवें गुण स्थान के अंतिम क्षण में पड़ेगा। ऐसा दुनिया में किसी के पास पुण्य नहीं बंध होगा। और उस पुण्य को संवर करने के लिए आज उपदेश दिया जा रहा है, कि कितना एक प्रकार से अंधकार है, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खाजा, खाने से खाते समय थोड़े से होशियार रहिए, पेट आपका है मान उनका है, आप अपने पेट को ख्याल में रखिए। माँ समझती है बच्चा खाने के लिए बैठा, कहीं ऐसा ना हो पेट बगड़ गड़बड़ ना हो जाए, उसको शाम को भी खाना है और कल और खाना है, वो नहीं खाएगा।